आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की चार बड़ी खबरों की। चार राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा के हाथों गुलाल तो सपा के बसपा और कांग्रेस के हाथों मलाल लगा है। यानी कुछ ऐसे सीटें रही हैं जहां प्रत्याशियों की सांस अटकी हुई थी और उत्तर प्रदेश में 15 सीटें ऐसी रही जहां हार जीत का अंतर 1000 वोटों से भी कम रहा है। इनमें से 8 सीटों पर बीजेपी, 6 पर सपा और 1 पर निषाद पार्टी की जीत हुई है। कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से लड़ाई बेहद ही दिलचस्प रही, जहां से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा। वहीं विधानसभा सीट पर कई बार केशव प्रसाद मौर्य की बढ़त ने भाजपा के चेहरे खिलाए, तो वहीं आखिर में 7337 वोट से हारते हुए केशव प्रसाद मौर्य के हाथों सिर्फ हार लगी। वहीं धामपुर में बीजेपी प्रत्याशी महज 203 मार्जिन से जीते हैं। कुर्सी विधानसभा सीट की बात करी जाए तो सकेंद्र प्रताप 217 वोटों से जीत दर्ज कर पाए हैं। चांदपुर से स्वामी ओम वेश से सपा उम्मीदवार 234 मार्जिन से जीते हैं। यानी कि कई ऐसी सीटें रही हैं जहां पे प्रत्याशी बहुत ही कम अंतर से जीत पाए हैं। वो चाहे बीजेपी के प्रत्याशी हो, सपा के प्रत्याशी हो, इस बार पिछली बार की तरह यानी कि 2017 की तरह वो मुकाबला देखने को नहीं मिला जो एक तरफा था। इस बार मुकाबला कांटे की टक्कर का रहा है और ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने एक दूसरे को टक्कर दी, कांटे की टक्कर दी, अच्छा मुकाबला दिया, जिसका अब ये नतीजा निकल के सामने आया है कि कई प्रत्याशी ऐसे रहे जिनको बहुत कम अंतरों से हार का सामना करना पड़ा है। चांदपुर से स्वामी ओमवेश सपा उम्मीदवार 234 वोटों से हारे हैं। नेतौर से ओम कुमार बीजेपी कैंडिडेट है जो कि 258 वोटों से जीते और शाहगंज से रमेश निषाद पार्टी से महज 719 वोटों से जीते हैं। यानी कि इस बार की जो जीत रही वो भी कुछ खास नहीं रही प्रत्याशियों के लिए, बहुत कम अंतर से जीते हैं, लेकिन जो जीत गए उनके हिस्से जीत रही और जो हार गए उन्हें काफी अफसोस रहा है अपनी हार का, लेकिन टक्कर अच्छी देते हुए सभी प्रत्याशी नजर आए हैं। लेकिन अंत में अगर देखा जाए तो बीजेपी जीती है, बीजेपी के सबसे ज्यादा कैंडिडेट जीते हैं, अच्छी खासी सीटें मिली हैं बीजेपी को और अच्छे खासे वोटों से जीतते हुए नजर आए हैं। कई सीटें ऐसी रही जहां पे जब मतगणना हो रही थी तो वहां पे पेच फंसता नजर आया। ऐसा भी देखने को माहौल मिला कि कभी एक प्रत्याशी आगे तो कभी दूसरा प्रत्याशी आगे, लेकिन बहुत चुनिंदा वोटों से जब प्रत्याशी हारा है तो निराशा हाथ लगी उनके। लेकिन कड़ा मुकाबला रहा, दिलचस्प रहा ये मतगणना कल की देखना, क्योंकि बहुत कम से कम 50 वोटों से भी लोग हारे हैं, ऐसा भी आंकड़ा देखने को मिला है। बात करी जाए सिराथू सीट की तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पल्लवी पटेल कभी आगे चली तो कहीं केशव प्रसाद मौर्य, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि केशव प्रसाद मौर्य हार जाएंगे, लेकिन कुछ चुनिंदा वोटों की वजह से केशव प्रसाद मौर्य हार गए और सपा प्रत्याशी जीत गई। बीजेपी ने पूरी जान लगाई, पूरी कोशिश करी और जिसका अब परिणाम भी सामने आ गया है। वहीं बात करी जाए सपा की तो सपा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी, अपने सभी बड़े चेहरों को उतारा और इसका परिणाम लेकिन अच्छा नहीं निकला सपा के लिए। आखिर क्या वजह रही, क्या मुद्दे रहे जिनकी वजह से वो नहीं जीत पाए, ये एक सबक भी है सपा के लिए कि उन्हें और बेहतर प्रदर्शन की करने की जरूरत है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विभांशु, कई जगह कांटे की टक्कर देखने को मिली है और जब कल मतगणना हो रही थी कोई आगे कोई पीछे चल रहा था, दिलचस्प रहा इस मतगणना को देखना, लेकिन बहुत कम मतों से कुछ प्रत्याशी हारे हैं, बहुत कम मतों से कुछ प्रत्याशी जीत गए हैं, कैसा इसे किस तरह से देखते हैं? कल परिणाम आ गया उसमें बीजेपी भारी बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाते हुए दिखी। और बात करें तो इस बार का जो बढ़ था इसमें कई बार बड़े चेहरे हार गए। और वही अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मिनिस्टर
जो कि काफी छात्रों उनके आक्रोश से, चाहे बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती, चाहे 87,000 डीएलएड टेट भर्ती, चाहे बात की जाए कनिष्ठ सहायक भर्ती, चाहे बात की जाए अबकारी सिपाही भर्ती, तो ये सब छात्र सतीश द्विवेदी के जब डेरा डाले रहते थे और प्रदर्शन करते रहते थे, शायद उन्हीं के नतीजे हैं कि सतीश चंद्र द्विवेदी भी चुनाव हार गए। और साथ ही साथ जो पूर्व सरकार में श्रम एवं रोजगार मिनिस्टर थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी भी करारी हार हुई और उन्हें बीजेपी के सुरेंद्र कुशवाहा ने उन्हें करारी शिकस्त दी। और साथ ही साथ ऐसे कई सारे बड़े चेहरे जो पिछली सरकार में वन मंत्री के दारा सिंह चौहान, वो भी मधुबन के पास की सीट से चुनाव हार गए। और शिखा जब बात करें तो पहले चरण से काफी आशा अपेक्षा थी समाजवादी पार्टी को, 11 जिले की 58 सीटों पर मतदान होना था। वहीं अगर बात करें तो पिछली बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने इस 11 जिलों की 58 सीटों में से 53 सीट अपने खाते में कर पाई थी। और वहीं अगर बात करें तो इस बार के चुनाव में 53 से उसका थोड़ा सा वहां भी ग्राफ खुला है, 40 में पहुंच गई। और वहीं सपा और जिस तरह से सपा ने अच्छे खासे कड़ी टक्कर दी और कम मतों से ही हारी है, यानी कि जो वोटों की संख्या थी तो बीजेपी ज्यादा मतों से नहीं जीती, हालांकि उनके कैंडिडेट ज्यादा जीते हैं, लेकिन जो वोटों की संख्या रही है वो बहुत ही कम रही है, बहुत कम अंतर रहा है, तो सपा ने अच्छी टक्कर दी, किस तरह से देखते हैं? जी शिखा, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने लगभग 111 सीटों पे भाजपा को खड़ा मुकाबला उनसे खड़ा, और वहीं साथ ही साथ जो जीत का अंतर था वो महज कुछ हजार में था, कहीं 3,000 से औसत देखे तो 3,000 से नीचे मतों के साथ परिणाम आया। वही अगर बात की जाए तो मैं एक और बड़े चेहरे की, तो सिराथू से उत्तर प्रदेश के डिप्टी मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य लगभग 7,000 वोटों से हारे। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो राजनीतिक गलियारों में ये भी बात चल के आई कि लगभग सपा के खाते में 32% मतदान गया, अगर पार्टी वाइज बात की जाए, वहीं भाजपा के खाते में लगभग 41% मत गए। वहीं बसपा ने महज एक सीट निकाली और उसे 12.9% वोट मिले। तो कहीं ना कहीं ऐसा विपक्ष की राजनीति, खासकर समाजवादी पार्टी और आरएलडी का ये आरोप है कि बसपा खासतौर पे भाजपा की बी टीम के तौर पे काम की है। और अगर देखें तो बसपा ऐसी कई सीटों पर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के साथ खेल करते हुए दिखे और जिसका परिणाम बीजेपी के पक्ष में गया, ऐसा विपक्ष का कहना है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। तो सीधे तौर पे अब विपक्ष आरोप लगा रहा है और जिस तरह से हारी है सपा, उसके बाद लगातार बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है और बसपा को भी अब निशाने पर लिया जा रहा है, बसपा को बीजेपी की जीत का जिम्मेदार बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी को जो जीत मिली है उसके लिए बीएसपी को भी श्रेय दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो ये जीत मिली है उसमें बीएसपी की भागीदारी रही है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये पहली बार ऐसा देखा गया है, इतिहास रचा है, जहां बीजेपी की दोबारा से सरकार बन रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आ गए हैं। यूं तो अखिलेश ने सियासी लड़ाई सीएम की कुर्सी के लिए लड़ी थी, लेकिन जनता ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश को एक बार फिर से विपक्ष की कुर्सी दे दी है। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है लेकिन उनके सपने पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन ये जनादेश अखिलेश को कई सबक जरूर देगा। अखिलेश की रैलियों में भीड़ बंपर थी, माहौल बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने कई छोटे दलों के साथ गठबंधन किया, लेकिन उनकी ये सारी कवायद उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं दिला सकी। निश्चित रूप से ये नतीजे अखिलेश को एक सबक भी देंगे। कई मुद्दे उठाते हुए अखिलेश नजर आए लेकिन अपनी जो कुर्सी के लिए, जिस सीएम की कुर्सी के लिए वो लड़ रहे थे, उसको हासिल नहीं कर पाए और एक बार फिर विपक्ष की कुर्सी उनको मिली है। तो सारी कोशिशों के बाद भी, लगातार प्रचार प्रसार के बाद भी, छोटे दलों के साथ गठबंधन के बाद भी अच्छे नतीजे नहीं मिले सपा को। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, इस चुनाव से क्या सबक मिलता दिख रहा है? दूसरी बार हार है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, पिछली बार भी हार मिली और इस बार कुछ उम्मीदें थी लेकिन वो भी सफल नहीं हुई और हार का सामना करना पड़ा अखिलेश को।
लाई थी और इस बार समाजवादी पार्टी को 125 सीटें मिली हैं, तो इसको हार नहीं बोलेंगे। हार क्योंकि लड़ने के लिए जरूर गए थे कि सत्ता के लिए गए थे, पर सत्ता नहीं मिल पाई है, पर 125 सीटें मिली हैं, यानी मजबूत विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी सामने आई है। और कहीं ना कहीं एक टीज जरूर बनी रही होगी क्योंकि लगातार उनकी रैली हो रही थी, यात्राएं हो रही थी और उन पर वहां पर बंपर भीड़ हो रही थी और वो कह रहे थे कि हम सत्ता में आ रहे हैं। और जैसा कि उनके जो नेता थे वो भी कह रहे थे, एक लोगों में रुझान था, खासतौर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में विशेष खुशी थी, वो कह रहे थे कि हम सत्ता में आ रहे हैं। पर एक खुशी जब कल मतगणना हुई है, जो परिणाम सामने आया है उससे खुशी काफूर हो गई है। अखिलेश यादव को ये कहना पड़ रहा है कि हम स्वीकार करते हैं, पर कहीं ना कहीं टीस जरूर रही है क्योंकि उनका मानना था कि वो एमबी फैक्टर के साथ जा रहे हैं और मुस्लिम और यादव का वोट उनको बिल्कुल मिलेगा, तो कहीं ना कहीं टीस रही है। पर यहाँ पर मुस्लिम और यादव वोट की बात करें तो उसमें भी सैन लगाई गई है, गोलबंदी वोट बैंक की भी हुई है। और कहा जा रहा था कि जो बड़े नेता है, जो कि ओबीसी और SC ST जाति के जो बड़े नेता है वो समाजवादी पार्टी में गए, चाहे रामचंद्र लाजर की बात करें, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, चाहे आप केदार सिंह चौहान की बात करें, तो कहा जा रहा था कि बड़ा विशाल समूह इनकी तरफ जाएगा, पर यहाँ विशाल समूह नहीं जुटा पाए और निश्चित रूप से जो परिणाम सामने आया है, जुबार सपा का MY फैक्टर भी काम नहीं आया, बसपा के खाते से जो वोट कटे थे वो माना जा रहा था कि बसपा कहीं दिख नहीं रही है और सपा को इसका फायदा होगा, लेकिन सपा के नहीं बीजेपी के खाते में वो भी वोट गए हैं, BSP को सीट नहीं मिली है, तो इससे क्या किस तरह से देखते हैं इसे? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, MY फैक्टर था और MY फैक्टर को ही लेके गए थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मुसलमान का जो पूरा वोट है, जो माइनॉरिटी का पूरा वोट है, वो अखिलेश यादव को गया है निश्चित रूप से, पर कहीं ना कहीं जो यादव वोट था उसमें गोलबंदी हुई है और कहीं ना कहीं उस वोट बैंक से थोड़ी बहुत सेंध मारी गई है बीजेपी के द्वारा। अगर मैं SC ST OBC वोट की बात करूं, जो दलित जाति का वोट है, जो प्रदेश में लगभग 30% है, वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि अगर BSP पे नहीं जाता है तो उम्मीद है सपा को जाएगा। पर यहाँ पर जो बड़े बड़े नेता भी रहे, जो उसमें हमें आपको पहले बताया है कि बड़े बड़े नेता रहे जो विशेष जाति से रहे और वहाँ पर गए हैं, पर जो उम्मीद की जा रही थी कि विशाल समूह और जो विशेष जाति है, जो दलित जाति है, OBC है, SC ST है, वो समाजवादी पार्टी में टर्न होगा, पर वैसा नहीं हुआ और समाजवादी पार्टी को MY फैक्टर के सहारे रहना पड़ा। और MY फैक्टर में वो व्यवस्था नहीं थी कि जो इनको सत्ता तक पहुंचा पाए, और निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी नुकसान में तो रही, सत्ता तक नहीं पहुंच पाई, कहीं कहीं फायदा भी है क्योंकि अपने पिछले प्रदर्शन से बहुत अच्छा रहा है, 47 सीटें थी 2017 में, अब 125 सीटें लेके आई, फायदा तो यहाँ पर है और मजबूत विपक्ष के रूप में गई है। और निश्चित रूप से मैं आपको बताऊँ, लोकतंत्र की खूबसूरती है, सुंदरता ही है कि अगर सत्ता पक्ष भी होता है और मजबूत विपक्ष होता है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की खूबसूरती बनी रहती है, बेहतर परिणाम सामने आते हैं और बेहतर तरह से सरकार चलती है। गौरव, जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा है अखिलेश को, लेकिन अब उसका ठीकरा वो कहीं ना कहीं BSP पे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, BSP के प्रदर्शन पे अब सवाल उठ रहे हैं और बी पार्टी कहा जा रहा है, किस तरह देखते हैं? देखिए, जो BSP को बी पार्टी वाली बात है, तो जब चुनाव कोई हार जाता है तो हमेशा यही बात होती है, और जिस तरह से BSP ने कैंडिडेट हारे थे, किसी गठबंधन नहीं किया था, तो अलग बात है। और अभी मैं आपको बता दूं कि जो शिवसेना के नेता हैं और राज्यसभा सांसद संजय राउत, उन्होंने भी BSP पे और OBC पे निशाना साधा, उनका कहना है कि लगातार केवल बेवकूफ बनाया गया और BSP का पूरा वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया, तो कहीं ना कहीं अपनी हताशा को जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बता दूं कि अगर वोट बैंक की बात करें तो इनको सेन लगानी चाहिए, ये भी अपनी जो रणनीति इसमें कामयाब नहीं हो पाए, अब ठीकरा BSP पे और OBC पे फोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी झल्लाहट है। उसके पहले जब एग्जिट पोल आए थे तभी उन्होंने कहा था कि मीडिया के ऊपर ठीकरा बोला, तो उन्होंने कहा मीडिया के जो एग्जिट पोल है वो मॉनिटर्ड है और मॉनिटर्ड पोल के साथ वेरिफाई किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, सबके अपने एग्जिट पोल है, सबका अपना आकलन होता है। और हताशा जब होती है तो कहीं ना कहीं आदमी उसको एक कारण बताएगा कि BSP की तरफ से वोट कट रहा है, पर कहीं ना कहीं आप भी की रणनीति भी बिल्कुल फेल रही है, जो आप नेता लेके आए थे, आपने कहा था जो BSP से जो नेता आपकी पार्टी में गए थे, भारतीय जनता पार्टी से जो बड़े बड़े नाम आपकी पार्टी में गए थे, वो अपने रणनीति की तरह गए थे, पर वो विशाल समूह जो अपनी जाति का विशाल समूह है, वोट बैंक है, वो आपकी पार्टी में तब्दील नहीं कर पाए। जी, अगर सबक की बात करी जाए तो इस बार अखिलेश को कौन सा सबक मिलता दिख रहा है, आखिर कौन से मुद्दों को उठाना उनके लिए सही रहता, किस मुद्दे कौन से मुद्दे उनसे छूट गए और किस वर्ग को खुश करना अब अहम रहेगा अखिलेश के लिए? देखिए, अखिलेश यादव के लिए सबसे पहला सबक तो यह है कि इनको आगामी जो चुनाव होगा, 2027 चुनाव होगा, इनको केवल MY फैक्टर के सहारे नहीं रहना पड़ेगा। अगर ये MY फैक्टर के सहारे रहेंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है कि 2022 में इनका परिणाम ऐसा ही रहे कि जब तक ये जो बड़ी जाति वोट बैंक है उसकी तरफ मुड़ी मुड़ेंगे, उसको अपने पाले में करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक स्थिति ऐसी बनी रहेगी। क्योंकि MY फैक्टर जो है फैक्टर है वो अगर आपको आता भी है, वोट बैंक बढ़ता भी है, तो कहीं ना कहीं जीत की संभावनाएं कम रहती है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि देश में चुनाव होता है, ध्रुवीकरण भी होता है, तमाम बातें होती है और कहीं ना कहीं चुनाव हिंदू मुस्लिम की तरफ कहा जाता है, पर कहीं ना कहीं अब ये बात
आप साबिर भी होने लगी है कि अगर आपको यूपी की सत्ता में आना है तो आपको सारा को वोट बैंक चाहिए पड़ेगा, चाहे दलित की बात हो, चाहे ओबीसी की बात हो, चाहे एससीएसटी की बात हो, चाहे ब्राह्मण वर्ग की बात हो, चाहे ठाकुर वर्ग की बात हो, तो आपको सारा वोट बैंक चाहिए। आपके पास एमआई फैक्टर के सारे नहीं सकते हो और अखिलेश यादव को यहाँ पर चिंतन की जरूरत है, मंथन करना पड़ेगा और रणनीति बदलनी पड़ेगी और अपना एक जो इनका पारंपरिक वोट बैंक है उसके अलावा भी जो अन्य वोट बैंक है उस पर भी सेम लगानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो सीधे तौर पर सपा को एक मजबूत विपक्ष बन के उभरना पड़ेगा और हर एक वर्ग विशेष पर पूरा पूरा ध्यान देना पड़ेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। भारी बहुमत से बीजेपी ने यूपी में फिर से अपना परचम लहराया है। वहीं सपा ने भी पहले के मुकाबले भारी वोटों को हासिल कर विधानसभा में अपनी जगह बनाई है। मायावती की पार्टी यूपी की सत्ता से गायब नजर आ रही है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मायावती ने कहा, ये नैरेटिव बनाया गया कि सपा ही बीजेपी को रोक सकती है, इससे पूरे मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गया। हार के बाद मायावती ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि मनुवादी मीडिया के नैरेटिव ये बनाए जाने से कि बीजेपी को सिर्फ सपा रोक सकती है, मुसलमान वहां पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया। मैं फिर कहती हूं कि पूरा का पूरा मुसलमान वोट सपा को चला गया है, जिसे देखते हुए दूसरे दलित और हिंदुओं के वोट सपा की गुंडागर्दी आतंकवाद को याद करते हुए बीजेपी में चले गए। अपनी अनवरत गंदी साजिशों प्रायोजित मैंने किया हुआ मतलब सर्वे आदि कार्यक्रमों एवं लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफ़ी हद तक सफल साबित हुआ है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है तथा ये पार्टी सपा के मुकाबले में कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये खूब इन्होंने प्रचार किया जबकि सच्चाई इसके विपरीत है, बिल्कुल उलट है, क्योंकि भाजपा से बसपा की लड़ाई राजनीतिक के साथ साथ सिद्धांतिक व चुनाव करी जाए तो मायावती सीधे तौर पे मीडिया पे और सपा पे दोनों पे बरसते हुए नजर आए। उन्होंने सपा को बीजेपी के बी टीम बताया है। जहां सपा और बाकी अन्य दल मायावती को बी टीम बता रहे हैं बीजेपी की, तो वहीं मायावती ने सपा पे आरोप लगाया है और साथ ही साथ ये भी कहा कि मीडिया का भी इसमें कई अहम भूमिका रही है कि नैरेटिव सेट किया गया और जिस तरह से मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे सपा को दिखाया गया ये गलत रहा और इसी की वजह से जितने भी मुस्लिम वोटर थे वो सपा की तरफ चले गए। उन्होंने सीधे कहा है कि ये नैरेटिव बनाया गया है कि सपा ही बीजेपी को रोक सकती है। विभांशु हमारे साथ इस खबर पे जुड़ चुके हैं, किस तरह से देखते हैं विभांशु से? एक तरफ सपा को बी पार्टी बताया जाता है, एक तरफ बसपा को, आखिर बी पार्टी की भूमिका किसने अदा करी है? मायावती कहती नजर आ रही है कि सपा की भूमिका रही है बी पार्टी के रूप में। जी शिखा, अगर बात करें तो बसपा जो कि 403 विधानसभा सीटों पे लड़ी थी, अब महज उसे एक सीटों पे जीत मिली और वो आज मायावती की तरफ से जो बसपा सुप्रीमो है उनकी तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें साफ तौर पर जो हार का टीका है वो मीडिया के ऊपर दिया गया कि हार का पूरा जिम्मेदार मीडिया है और यही आरोप लगाया गया जो सपा आपकी बसपा सुप्रीमो है उनकी तरफ से कि मीडिया ने ऐसी खबरों को चलाया और जातिवादी मीडिया के नाम से उन्होंने बताया कि जातिवादी मीडिया के लोगों ने ऐसी खबरों को चलाकर जनाधार को खत्म करने का काम किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोग सपा को जो वोट सपा के प्रति गया है वो सपा बी टीम है और साथ ही साथ बसपा का वोट जो है वो जो खास करके मुस्लिम वोटर और वो सपा का हो गया कि कहीं बीजेपी ना आ जाए। वही साथ ही साथ कुछ वोट बीजेपी की गलत नीतियों के बावजूद भी लोग भाजपा को वोट दिए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सपा आए तो गुंडाबाज की सत्ता कायम हो जाए। तो साफ तौर पर उन्होंने भाजपा को गलत नीति का बताया और समाजवादी पार्टी को गुंडाबाजी पार्टी से जोड़ा और वही मायावती की तरफ से ये भी कहा गया कि
अगर ये लड़ाई अभी जारी रहेगी, हम संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते रहेंगे और आगे हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2017 से पहले बीजेपी की हालत एकदम मस्त थी, मगर वो आज सत्ता में आती है और दूसरी बार वो बहुमत के साथ सरकार बना रही है। तो साफ तौर से उन्होंने समाजवादी पार्टी और भाजपा को गलत चीजों का पार्टी बताया। जी विभांशु, बसपा का मूवमेंट बढ़ाने की बात कही है मायावती ने, और साथ ही साथ उन्होंने एक बात और भी कही कि मुसलमानों का सारा वोट बैंक सपा में शिफ्ट हो गया और सपा की गुंडागर्दी आतंकवाद को देखते हुए जो पिछड़ा दलित वोट बैंक था वो बीजेपी में शिफ्ट हो गया। तो क्या बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं मिले? और जिस तरह से गुंडागर्दी आतंकवाद की बात करी है, कहीं ना कहीं वो सपा पे इसका निशाना साध रही है बीजेपी की तरह ही। शिखा, अगर बात करें तो ऐसी कई सारी सीटें हैं, जैसे एक पोलिंग बूथ पर है, वहां पे एक जो बूथ था जहां पे 1250 वोट पड़ गए थे, तो इससे आमतौर पे हम गिनती से जान सकते हैं कि किस जाति का किस जाति का वहां पे जनाधार है, किस जाति के लोग ज्यादा है। तो ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां मुसलमान का, ये भी कहा जा रहा है भाजपा के नेताओं की तरफ से कि मुसलमान महिलाओं ने कुतल तलाक और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए वोट दिया गया है, मगर हम इस पे अभी इसको प्रूफ नहीं करते हैं, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज सुश्री मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भाजपा को बस हम एक पैतरे से कि हम दलित शोषित वंचित वर्गों के वोटों को अगर मुसलमान वोटों के तो हम भाजपा को मत दे सकते हैं, जैसा कि बंगाल के अंदर में हुआ। उन्होंने बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि आगे की जो लड़ाई है उसमें ऐसा करे तो हम भाजपा को रोक सकते हैं। वही उन्होंने समाजवादी पार्टी को बी टीम भी बताया। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो मूवमेंट बढ़ाने की बात कही है मायावती ने, और अगर मूवमेंट बढ़ाना है, अगले विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है, तो बसपा को अभी से ही तैयारियां शुरू करनी होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में मायावती और ओवैसी का योगदान बताया है। राउत ने कहा बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, यूपी उनका राज्य था फिर भी अखिलेश यादव की सीटें बढ़ गई हैं, बीजेपी की जीत में मायावती और ओवैसी का योगदान है, इन सबको पद्म विभूषण और भारत रत्न देना पड़ेगा, हम लोग खुश हैं, हार जीत होती रहती है, आपकी खुशी में हम भी शामिल हैं। तो सीधे तौर पे उन्होंने एक तरफ बीजेपी को बधाई दी है तो वहीं ओवैसी और मायावती पर निशाना साधा है, दोनों को ही बी पार्टी बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पद्म विभूषण और भारत रत्न देने की बात भी करी है दोनों को। तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ है जहां दूसरी बार बीजेपी ने जीत हासिल करी है और इस जीत को कहीं ना कहीं विपक्षी संभाल नहीं पा रहे हैं, इस खुशी को कहीं ना कहीं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और निशाना साधते हुए मायावती पे नजर आ रहे हैं। मायावती के प्रदर्शन से काफी नाखुश नजर आ रहा है विपक्ष। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, किस तरह से देखते हैं मायावती की हार को और सारा ठीकरा कहीं ना कहीं मायावती पे फोड़ा जा रहा है? अभी तक ओवैसी थे जिन्हें बी पार्टी कहा जाता था, लेकिन अब यहाँ पे बीएसपी भी शामिल हो गई है। चिंतन तो करना पड़ेगा, पर जिस तरह से विपक्ष समाजवादी पार्टी की बात करें तो लगातार वो हमले कर रहे हैं। उनका कहना है कि बसपा ने बी टीम की तरह में काम किया है, सबको नुकसान उठाना पड़ रहा है। और आज जिस तरह से शिवसेना के जो राज्यसभा सांसद है संजय राउत, उन्होंने कहा है कि ओवैसी और यानी मायावती उनको पद्म विभूषण और भारत रत्न देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ही भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के तमाम कैंडिडेट उतारे थे और कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव रहा है। वो चाहते थे कि जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश मजबूत हो, पर यहाँ पर मजबूती नहीं मिल पाई और समाजवादी पार्टी की हार से उनको भी खासा निराशा, उनको लगता था कि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है, पर यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आई है, तो निश्चित रूप से उनको ताजा है और वो लगातार कह रहे हैं, क्योंकि पहले भी हमने देखा है अखिलेश यादव भी बोल चुके हैं कि बहन जी की और ओबीसी का कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करने पाएंगे या उनका इनके नुकसान से हमको नुकसान हो सकता है, तो निश्चित रूप से नुकसान हुआ भी है। पर हालांकि नुकसान बहुजन
समाज पार्टी को इंडिविजुअल भी हुआ है, इनको खुद पर नुकसान हुआ है कि केवल एक सीट लेके आई है और एक सीट बहुत नुकसान देने वाली बात है। और बहन जी की अगर बात करें तो उन्होंने भी आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बसपा सुप्रीमो ने कहा था कि निश्चित रूप से चुनाव था वो मीडिया के सब ठिकरा होना फोड़ा। उन्होंने कहा है कि मीडिया के माध्यम से ही एक लहर फैला दी गई, कहा गया केवल बसपा भाजपा को केवल समाज पार्टी रोक सकती है और बसपा कहीं अस्तित्व नहीं है, निश्चित रूप से इसका उनको नुकसान हुआ है और इस कारण बहुजन समाज पार्टी की सीटें बिल्कुल कम आई है, यानी पिछले प्रदर्शन को भी नहीं दोहरा पाए हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने ठीक है मीडिया पर बोला है और साथ ही साथ अब जिस तरह से अन्य नेताओं का बयान आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और ओबीसी के कारण ही भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के इस प्रदर्शन से सभी नाखुश नजर आ रहे हैं, वो चाहे सपा का प्रदर्शन हो, बसपा का प्रदर्शन हो या फिर कांग्रेस का प्रदर्शन हो। हालांकि कोशिश बहुत करी सपा ने एक बार फिर सत्ता में आने की, लेकिन विपक्ष की कुर्सी ही उनको मिल पाई है और अब मायावती पे भी उनके प्रदर्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो वही मायावती कहीं ना कहीं इसके लिए सपा को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।